हेलो गाइस, मैं रुकमन मेहर, मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड सीएनसी हब में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बारे में। तो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दो ऐसे मेटल्स हैं जो कारखानों में मैक्सिमम यूज होते हैं, तो इनके बारे में जानना, अच्छा ज्ञान होना, अच्छा जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो टेक्निकल लाइन के जितने स्टूडेंट हैं, जैसे आईटीआई के, डिग्री के, डिप्लोमा के, इनको जानना बहुत आवश्यक है। इसका अच्छा ज्ञान होना आपको कारखानों में बहुत सहायता पहुंचाता है, एक कारीगर को और एक इंजीनियर को, दोनों को बहुत सहायता पहुंचाता है। तो आइए हम जानते हैं हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील में ऐसे कौन कौन से डिफरेंस हैं जो दोनों को अलग करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जिनके बारे में पहले आपको जानकारी ना हो उस पॉइंट के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील के प्रकार। तो हाई कार्बन स्टील को हम कार्बन स्टील बोलते हैं। और हाई स्पीड स्टील को हम एलॉय स्टील बोलते हैं, क्योंकि स्टील को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा एलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में केवल कार्बन होता है लोहे के अलावा, और इसमें एलॉय स्टील में एलॉयिंग एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इसको एलॉय स्टील बोलते हैं और ये कार्बन स्टील बोलते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, दूसरा पॉइंट जो कार्बन का है, कार्बन इसमें कितना होता है हाई कार्बन स्टील में। हाई कार्बन स्टील में जो है कार्बन की मात्रा 0.7% से 5% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और हाई स्पीड स्टील में 0.7% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तीसरे पॉइंट में अलॉयिंग एलिमेंट, मिश्रित तत्व, इसमें लोहे के अलावा, आयरन के अलावा इसमें कार्बन का मात्रा होता है, आयरन प्लस कार्बन होते हैं इसमें। इसका मुख्य मिश्रण जो रहता है, मुख्य मिश्रण तत्व के रूप में कार्बन होता है, इसलिए इसको हम लोग कार्बन स्टील बोलते हैं। अब एलॉय एलिमेंट में इसमें टंगस्टन होता है, वेरिडियम होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है इसमें, और कोबाल्ट होता है इसमें। ये सब एलॉय एलिमेंट हैं, मिश्रित तत्व हैं। इन्हीं के कारण हाई स्पीड स्टील, ये इन कंपोजिशन के कारण अलग अलग हाई स्पीड स्टील बनते हैं। तो इन कंपोजिशन के बारे में हम आगे के वीडियो में बाद में जानेंगे, या तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे इसके लिए। अब चौथा जो इसका पॉइंट है वो होता है वेट, इसका वजन। हाई कार्बन स्टील जो है हाई स्पीड स्टील से कम होती है, हाई स्पीड स्टील से इसका वेट कम होता है, और हाई स्पीड स्टील जो है ये 10% हाई कार्बन स्टील से अधिक होती है, मतलब इसका वेट कम होता है और इसका वेट ज्यादा होता है हाई कार्बन स्टील से। अब आते हैं हम लोग बिफोर हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग के पहले ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो करते हैं, जो अलग होता है, दोनों को डिफरेंस करता है। तो हार्डनिंग से पहले हम लोग हाई कार्बन स्टील को हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और हाई स्पीड स्टील को हम लोग प्री हीटिंग करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग इसीलिए किया जाता है, जो भी हाई कार्बन स्टील के जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग जब मशीनिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारी ऑपरेशन संक्रियाएं जो करती हैं, उसके कारण उसके इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, उनको दूर करने के लिए, उसके ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग करने के बाद हम लोग इसको हाई कार्बन स्टील को हार्डनिंग करते हैं। वैसे हाई स्पीड स्टील को हम लोग, हाई स्पीड स्टील जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने के कारण इसको हम लोग पहले प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग 800°C में इसको हीट किया जाता है, और 1 mm की थिकनेस के अनुसार 15 से 20 सेकंड 1 mm के हिसाब से रखा जाता है उसको सोकिंग टाइम के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग हार्डनिंग करते हैं। तो उसके बाद जब हार्डनिंग करते हैं, तो इसके कारण जो हाई स्पीड स्टील के जो जॉब बनेंगे या जो कंपोनेंट टूल्स बनेंगे वो क्रैक नहीं होती है, इस कारण इसको पहले प्री हीटिंग की जाती है और हाई कार्बन स्टील को नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग हार्डनिंग रेंज, इसका जो हार्डनिंग रेंज रहता है 750°C से 770°C तक रहता है, और इसका हाई स्पीड स्टील का HSS का जो हार्डनिंग रेंज है वो 11
00 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हार्डनिंग करते हैं। ये दोनों का रेंज है, इसमें 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 770 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रहता है। अब आते हैं हम लोग हार्डनेस में, कठोरता, जिसको हम बोलते हैं कठोरता, इसको बोलते हैं हम लोग अच्छी ठंडी कठोरता, और इसको बोलते हैं गर्म कठोरता। हाई स्पीड स्टील जो है गर्म कठोरता होती है, इसमें अच्छी ठंडी या कठोरता रहती है, गुड कोल्ड हार्डनेस, और इसमें रहती है हॉट हार्डनेस। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, तापमान। इसका जो तापमान रहता है, जिस टेम्परेचर तक ये काम कर सकता है, दो सौ डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये रहते हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो टेम्परेचर है ये 200 डिग्री तक आसानी से अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जैसे ये 200 डिग्री से ऊपर जाता है, ये अपनी कठोरता खोने लगता है। ये जो गुड कोल्ड हार्डनेस है, ये 200 डिग्री तक बना रहता है, 200 डिग्री से 200 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाता है, इसकी कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है, ये खोने लगता है अपनी कठोरता। वैसे ही हाई स्पीड स्टील जो है, ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर आता है, वो भी अपनी कठोरता धीरे धीरे खोने लगता है। लेकिन इसकी अपेक्षा, इसकी जो टेम्परेचर है, तापमान जो है हाई रहती है इसकी अपेक्षा। इस कारण जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें इकोनॉमी क्लास दिया रहता है कि 30 से 50 के बीच में चलाएंगे तो हमारा एवरेज और गाड़ी का कंडीशन हमेशा अच्छा बना रहेगा और एवरेज भी उसकी अच्छी आएगी। वैसे ही अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में इसको हम लोग चलाते हैं, इस कटिंग टूल्स को हम यूज करते हैं मशीन में, तो उसका लाइफ अच्छा चलेगा। और जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, तो वो उसकी लाइफ जो होगी, कटिंग टूल्स की लाइफ घटते जाएगी, जल्दी ब्लंट हो जाएगा, क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा, उस डिग्री टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। अब आते हैं हम लोग वियर रेजिस्टेंस में। इसका जो वियर रेजिस्टेंस रहता है, हाई कार्बन स्टील ने घर्षण प्रतिरोध इसमें कम होती है। वियर मतलब घिसने का जो प्रतिरोध बोल सकते हैं, घिसने का प्रतिरोध ये कम करता है, और घिसने का प्रतिरोध ये हाई स्पीड स्टील अधिक करता है। जैसे हम एक हाई कार्बन स्टील का पार्ट्स लेते हैं और एक हाई स्पीड स्टील का पार्ट्स लेते हैं, और दोनों को हम फाइलिंग करेंगे, तो हाई कार्बन स्टील जो है ये ज्यादा घिसेगा और हाई स्पीड स्टील जो है ये कम घिसेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें वियर रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें वियर रेजिस्टेंस अधिक होता है, मतलब घर्षण प्रतिरोध इसमें कम होती है और इसमें घर्षण प्रतिरोध अधिक होता है। ये घिसने का प्रतिरोध करता है, घिसने के लिए ये प्रतिरोध कम करता है, और घिसने के लिए प्रतिरोध ये हाई स्पीड स्टील जो है अधिक करता है, घिसेगा कम। अब आते हैं वर्क यूसेज में। वर्क यूसेज जो है, हाई कार्बन स्टील के भी हम लोग ड्रिल्स, रिमर, टेप, डाई वगैरह बनाते हैं, और हाई स्पीड स्टील के भी कटिंग टूल्स, ड्रिल्स, रिमर, टेप वगैरह बनाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका बना हुआ जो टूल्स है, हाई कार्बन स्टील के HCS के जो बने हुए टूल्स हैं, वो लो कटिंग स्पीड में, मतलब कम कटिंग गति में और कम टेम्परेचर में काम आते हैं, और जो हाई स्पीड स्टील के जो कटिंग टूल्स बनेंगे, टीएफ्स बनेंगे, डाई बनेंगे, वो हाई कटिंग स्पीड में, उच्च कटिंग गति में और ऊंची टेम्परेचर में वो काम कर सकते हैं, जिस कारण से इससे मास प्रोडक्शन में हम लोग यूज नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि ये जल्दी घिस जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर तक झेल नहीं सकता है, इसका टेम्परेचर कम है, इस कारण से इसको हाई कटिंग स्पीड नहीं दे सकते। इसको हम हाई कटिंग स्पीड दे सकते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ये ज्यादा तक झेल सकता है। अब आते हैं हम लोग मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन जो पॉइंट है, ये उपयुक्त नहीं माना जाता, ये मास प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसका जो लो कटिंग स्पीड होती है और लो टेम्परेचर में काम कर सकता है, इस कारण से ये मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको उपयुक्त नहीं मानते। और ये हाई स्पीड स्टील जो है, हाई स्पीड स्टील को हम लोग उपयुक्त मानते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का जो प्रॉपर्टीज है। हाई कार्बन स्टील जो है वो डक्टाइल भी होती है और मेलिएबल भी होती है, और ये डक्टाइल और मेलिएबल जो है, ये लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील से थोड़ा सा कम रहता है हाई कार्बन स्टील। और ये हाई स्पीड स्टील जो है, ये हार्ड होती है, टफ होती है, इसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रेंथ भी होता है। स्ट्रेंथ क्यों होता है? इसमें जो ये हम लोग एलॉयिंग एलिमेंट जो मिलाते हैं हम लोग, टंगस्टन, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम,
और कोबाल्ट का जो हम अलॉय एलिमेंट मिलाते हैं इसके कारण इसमें स्ट्रेंथ, टफनेस और ये हार्डनेस बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये हाई स्पीड क्वालिटी में सुधार हो जाता है, अच्छी हाई स्पीड क्वालिटी रहती है। इस कारण हम लोग इसको मास प्रोडक्शन में भी उपयोग करते हैं। अब आते हैं मशीन एबिलिटी, इसमें मशीन एबिलिटी अधिक होती है। इसमें कम होती है मशीन एबिलिटी, मतलब जिसको हम आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। तो हाई कार्बन स्टील के बने हुए जो भी पार्ट्स हैं या जो मेटल हैं उसको हम मशीनिंग करेंगे तो आसानी से मशीनिंग भी कर सकते हैं, उसको आसानी से फाइलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाई स्पीड स्टील के जो पार्ट्स हैं उसको मशीनिंग करने में और फाइलिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आसानी से नहीं हो पाते, इसी कारण से मशीन एबिलिटी का गुण कम रहता है और इसमें ज्यादा होता है। ये थे हमारे कटिंग हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के जो डिफरेंस पॉइंट हैं, ये थे, ये पॉइंट्स हैं जो दोनों को अलग करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका जो मेन पॉइंट है, जो हाई स्पीड स्टील जो हाई कार्बन स्टील से जो अलग बनता है, हाई कार्बन स्टील से हाई स्पीड स्टील अलग क्यों बनता है, क्योंकि इसमें जो ये टंगस्टन, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट है, इनको जब हम इसको मिलाते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील ही बन जाएगा। इसके सब जो प्रॉपर्टीज, गुण है ना, जितने सब हट जाएंगे ये, और ये हाई कार्बन स्टील बन जाएगा। तो एक हिसाब से ये देखा जाए तो हाई कार्बन स्टील है। इसमें अगर हम लोग अलॉय एलिमेंट नहीं मिलाते तो ये हाई कार्बन स्टील ही रहता है। इसमें अलॉय एलिमेंट के कारण ही ये हाई स्पीड स्टील बन रहा है, और इसके जो ये हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ हो रहे हैं ये चेंज इसी कारण आ रहे हैं। ये सब मेन है, इसके कंपोजिशन के कारण ही ये अलग बनते हैं हाई स्पीड स्टील, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, धन्यवाद।